ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। धर्मशाला से आजाद प्रत्याशी राकेश चौधरी ने आरोप लगाया कि भाजपा और कांग्रेस की ओर से मुझे हराने के लिए धन बल का प्रयोग किया जा रहा है। प्रेस वार्ता में राकेश चौधरी ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद सीयू पर प्राथमिकता रहेगी, सभी को साथ लेकर विकास को गति दी जाएगी। धर्मशाला से आजाद प्रत्याशी राकेश चौधरी ने आरोप लगाया कि भाजपा और कांग्रेस की ओर से मुझे हराने के लिए धन बल का प्रयोग किया जा रहा है। प्रेस वार्ता में राकेश चौधरी ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद सीयू में प्राथमिकता रहेगी, सभी को साथ लेकर विकास की गति दी जाएगी। भाजपा कांग्रेस प्रत्याशियों में तजुर्बे की कमी है। मैं 15 साल से पंचायत प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा हूँ। आलम यह है कि सीएम जयराम ठाकुर को भी धर्मशाला व पच्छाद में नुक्कड़ सभाएं करनी पड़ रही हैं, जो कि अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। दोनों दलों ने कई नेताओं की फौज मुझे हराने के लिए लगा दी है। उपचुनाव के चलते हर मोड़ पर भाजपा कांग्रेस नेताओं की नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं। भाजपा व कांग्रेस नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय यही सोच रहे हैं कि राकेश चौधरी को कैसे पीछे किया जाए। राकेश चौधरी ने कहा कि जीत दर्ज करने के विकास कार्य कैसे करवाने हैं, ये मैंने अपने गुरु से सीखा है। जनता से यही कहना है कि जीत दर्ज करने के बाद विकास कैसे करवाना है, ये मैं जानता हूँ। सभी गुरुओं का आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं नहीं मानता हूं कि भाजपा और कांग्रेस, ये दोनों भी हिमाचल प्रदेश की प्रमुख पार्टियां हैं, और आज धर्मशाला की जनता जो इनको जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। और मुझे नहीं लगता कि कहीं भी ये अब दूसरे हथकंडे अपना रहे हैं, पैसे, शराब, लेकिन लोग इस चीज़ों के पीछे नहीं भागेंगे और निश्चित तौर पर दोनों पार्टियों की जमानत जब्त होने वाली। तो शांता जी ने कहा कि सेकंड कैपिटल की जरूरत नहीं है, उस ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। शांता जी हमारे बहुत ही सीनियर लीडर हैं, पर ये बयान जो खास करके जिला कांगड़ा के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिला कांगड़ा के अंदर तपोवन में एक हमारी जो विधानसभा है उसको नहीं होना और उसका विरोध करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है मेरी। आपने कहा कि दोनों पार्टियों ने था। 100% दिख रहा, आप भी इस बात से सभी लोग भली भांति परिचित हैं। हर एक नुक्कड़ पे, हर एक मोड़ पे इनके एमएलए या मंत्री की गाड़ी है, और दोनों ही पार्टियों के प्रयास, जो एक्स मिनिस्टर और सिटिंग मिनिस्टर है, इनके सारे लोग लगे हुए हैं, और सभी के मन में एक ही है, एक दूसरे के ऊपर कोई प्रतिरोप नहीं लगा रहे हैं। वैसे इनको डर है कि राकेश चौधरी कहाँ से निकलेगा और राकेश चौधरी को हम कैसे मतलब यहाँ से पीछे करें, वही प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हिमाचल में उपचुनाव जिला कांगड़ा के धर्मशाला में और पच्छाद में हो रहा है, और सीएम साहब को नुक्कड़ सभाएं करने पड़ रही हैं, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कितना देखते हैं कि क्योंकि लोगों के मन में एक ही सच है कि पार्टी इस वक्त सरकार जो है बीजेपी की है, और अगर राकेश चौधरी जीता है तो विकास कैसे होगा। राकेश चौधरी जिस गुरु का चेला है वहाँ से ये जरूर सीखा मैंने कि काम कैसे होते हैं। उसके लिए जनता को मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि आप कामों के लिए चिंता मत करें, काम मुझे करवाने आते हैं। जो मेरा जिंदगी मैंने सीखा और जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, जिनके साथ मैं रहा हूं, बहुत लोग हैं हमारे साथ, ऐसा ना समझे कि हम अकेले हैं, बहुत लोगों की प्रेरणा है, बहुत लोगों से सीखा हुआ है। गुरु का आशीर्वाद मिल गया, सभी गुरुओं का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो ये तो इनके अभी इलेक्शन का टाइम है, बहुत सारे आरोप अभी लगने बाकी हैं, दो दिनों में देखना क्या क्या होगा। लेकिन मैं कहीं भी, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इस चीज़ का खंडन करता हूं कि ये जो बोल रहे हैं कि ओबीसी समुदाय से है या फलाने से है, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर ओबीसी समुदाय से तो हूं मैं, अब उसको तो मैं झुठला नहीं सकता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि समस्त समुदायों का साथ, उनका आशीर्वाद, उनका भरपूर प्यार मुझे मिल रहा है। और इस बात को मैंने पहले भी कहा है और मैं फिर से कहता हूं कि कोई भी चुनाव जीतने के लिए आप किसी जाति विशेष का नारा नहीं दे सकते हैं और जाति विशेष के आधार पर आप इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं। निश्चित तौर पर मैं भी ये कह रहा हूं कि मुझे एक समुदाय से नहीं, मुझे समस्त समुदाय का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है, और उनका मैं धन्यवाद भी करता हूं कि उन लोगों ने मेरे ऊपर जो विश्वास जताया है। और कहीं भी मैं किसी विकासात्मक गतिविधि को रुकने नहीं दूंगा। काम इनके टाइम पे काम 10 की स्पीड पे था और हमारे टाइम पे 110 की स्पीड पे होगा।